1977 हो जब जनसंघ के स्वरूप में था, 89 में भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में सरकार बनाई हुई थी और बीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार थी तब भी मंडल कमीशन को समर्थन किया, और जब अटल जी सत्ता में थे तब भी SC ST के एरोसिटी एक्ट में बदलाव किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसको भी रिस्टोर करने का काम किया। और जब देश में अति पिछड़े की बात आई तो बिहार में नीतीश कुमार को भी समर्थन देकर बिहार में अति पिछड़े को सम्मान दिलाया, महिलाओं को सम्मान दिलाया। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को बोलने का अधिकार नहीं है, और नीतीश कुमार लालू जी के प्रभाव में अब अति पिछड़ा विरोधी हो गए। आप लोगों को धन्यवाद। आप लोगों को कुछ साथी पूछना हो तो बताएं। स्वाभाविक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार की सरकार के चलते, नीतीश कुमार जी के चलते हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमको मुक्की खानी पड़ी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये साजिश है भाजपा की। अच्छा एक चीज बताइए, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है, महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? हमारी सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना आयोग के गठन के आप आरक्षण नहीं दे सकते, तो हम लोगों ने किया ना। भाजपा की जहां एब्सोल्यूट सरकार है, आप जाके देखिए, मध्य प्रदेश में हमने आरक्षण किया, आयोग बनाया, TTT का आयोग का गठन किया और तब आरक्षण लागू किया, चुनाव कराया, महाराष्ट्र में कर रहे हैं। तो आप बड़ा स्पष्ट है, यहां तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार है। हमने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया कि दो चीज बड़ा मुद्दा है कि नीतीश कुमार के जिद में बिहार चलेगा कि बिहार के जनता के हितकारी चीजों के लिए बिहार चलेगा। जिद में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, उसका मूल कारण है कि जब हम लोग सरकार में थे तो पंचायती राज विभाग और नगर विकास विभाग ने यह प्रस्ताव दिया था बिहार में, और एडवोकेट जनरल ने भी उसकी सहमति दी थी कि इसमें एक आयोग का गठन करना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही महाराष्ट्र के मामले में आदेश देने का काम किया था, मध्य प्रदेश के मामले में आदेश देने का काम किया था। और बड़ा ही जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आप तमाम साथियों को कि नीतीश कुमार की सरकार इतनी संवेदनहीन है कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त 2022 को ही आदेश दिया कि हमने जो गाइडलाइन दिए हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, उसके आधार पर आप चुनाव कराएं। ये पूरी तरह कंटेम्प ऑफ कोर्ट का मामला है, नीतीश कुमार जी के खिलाफ कंटेम्प ऑफ कोर्ट चलना चाहिए, क्योंकि सिंगल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रेशर देकर, दबाव डालकर बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से चुनाव कराया। और पटना हाई कोर्ट ने भी अपने कंक्लूजन में बड़ा स्पष्ट कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र तौर पर काम करना चाहिए, ऑटोनॉमस बॉडी के तौर पर काम करना चाहिए। लेकिन बिहार की सरकार जो नीतीश कुमार जी चला रहे हैं, नीतीश कुमार ने बिहार के अति पिछड़ों का अपमान करने का काम किया, यह बड़ा स्पष्ट था। जब महाराष्ट्र में स्थिति उत्पन्न हुई, मध्य प्रदेश में स्थिति उत्पन्न हुई, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, सत्र बुलाकर उसमें संकल्प लिया गया कि हम आरक्षण देंगे, और आयोग का गठन किया गया। और आयोग के गठन के बाद उसके जो अंतरिम रिपोर्ट आए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फिर गए लोग, फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि नहीं, इसको और जांच कीजिए। जांच करने के बाद आयोग का जब रिपोर्ट आया, उसके आधार पर मध्य प्रदेश में चुनाव कराए गए, महाराष्ट्र में चुनाव कराए। तो क्या परिस्थिति बन गई थी बिहार में? क्या नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव की सरकार अति पिछड़ा विरोधी है,
अति पिछड़ों का सम्मान नहीं चाहता है और लगभग 5,000 से अधिक उम्मीदवार बिहार में लाखों करोड़ों रुपया खर्चा उन्होंने किया अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, इसका जवाबदाही कौन देगा, इस पैसे का भुगतान कौन करेगा। और आज हमने अभी एक चैनल के माध्यम से देखा कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। हम सलाह देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी सलाह देना चाहती है,